अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ में मसाला चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बिरयानी जो है ये बहुत ही मज़े की बनती है टेस्ट में और बहुत ही फटाफट बन जाती है। इसको हम वन पोट बिरयानी भी कह सकते हैं क्योंकि हम जो है सिर्फ इसे एक ही बर्तन के अंदर बनाएंगे। हमें जो है बर्तन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही एक से ज़्यादा बर्तन की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे देखिए जी, मैंने यहाँ पे जो है दालचीनी के दो इतने लंबे लंबे जो है दालचीनी की डंडियाँ ली हैं और दो तेज़पान के पत्ते लिए हैं। हाफ टी स्पून के करीब जो है मैंने लौंग लिए हैं, एक टी स्पून काली मिर्चें ली हैं, दो डोंडा इलायची ली हैं और 12 के करीब हरी इलायची ली हैं, दो बादियान का फूल लिया और एक टी स्पून के करीब जो है मैंने शाही जीरा लिया। और यहाँ पे जो है मैंने दो मीडियम साइज़ की प्याज को जो है चॉप करके रखा है बारीक। और यहाँ पर जो है मैंने वन केजी चिकन जो है इसको मैंने अच्छे से वॉश करके ड्रेन करने के लिए एक छलनी के अंदर रख दिया है। और यहाँ पे जो है गार्निशिंग के लिए जो हम प्याज यूज़ करते हैं बिरयानी में, वो मैं फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पर मैं तकरीबन तीन जो है अच्छे बड़े साइज़ की प्याज जो है उसको चॉप करके बारीक में उसको फ्राई कर रही हूँ। देखिए जी, तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और हमारी प्याज जो है अभी हल्की सी सॉफ्ट हुई है। हमें इसे जो है अभी और जो है इसको ब्राउन करना है, बिल्कुल इसे जलाना नहीं है। मैं आपको बताऊंगी किस पॉइंट तक हमें जो है इसको अच्छे से जो है ब्राउन करना है। देखिए हमारी प्याज जो है ये हल्की सी ब्राउन हो गई है, कुछ प्याज हमारी ब्राउन हो रही है। इस वक्त पे हमें क्या करना है, इसको अच्छे से चलाना है और जो हमारी गैस का जो फ्लेम है वो हमें जो है मीडियम टू लो रखना है, बिकॉज अगर हम ज़्यादा तेज़ करेंगे तो हमारी प्याज जो है वो जल जाएगी और अच्छे से ब्राउन नहीं हो पाएगी, तो इस बात का आप ख्याल रखें। देखिए हमारी प्याज जो है लगभग हो चुकी है, अब मैं जो इसको तेल में से निकाल लूंगी, बिकॉज इसको इतने पे हमें इसलिए निकालना है क्योंकि ऑयल जो रहता है हमें प्याज जो है निकालने के बाद भी जो है ये अपनी फ्राई होती रहती है, प्रोसेस जो है वो ऑन रहती है कुछ देर तक। देखिए मैंने जो है अपनी प्याज को निकाल लिया है एक टिश्यू पर एक प्लेट में। देखें जी माशाल्लाह कितनी अच्छी क्रिस्पी हमारी प्याज हुई है। आप चाहें, अगर आपको आपकी प्याज बहुत ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो आप इसको निकालने के बाद अभी जब ये 10 से 15 मिनट बाद जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी उसके बाद आप जो है इसको फ्रिज के अंदर जो है इसको रख दें इसी तरीके से टिश्यू के साथ में, तो आपकी प्याज जो है बहुत एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो जाएगी। और यहाँ पे जो है मैंने 11 टेबल स्पून के करीब जो है ऑयल गरम किया है, बिकॉज मेरा 1 केजी चिकन है और 1 केजी चावल मैं यूज़ कर रही हूँ। चावल मैं जो गैलेक्सी चावल यूज़ करती हूँ जो बिरयानी के लिए होते हैं, गैलेक्सी जो शादियों में यूज़ होते हैं, और उसी चावल की मैं बिरयानी बनाती हूँ। तो वो चावल जो है मैं 2-3 आवर्स पहले जो है सोख करके रख देती हूँ। और चलिए जी, अब हमारा ऑयल गरम हो गया है, इसके अंदर मैं अपने जो मैंने अभी आपको खड़े गरम मसाले बताए थे वो मैं इसके अंदर अपने ऐड करूँगी। एक एक करके मैं पूरे ही ऐड कर दूँगी इसमें, इनको सॉटे होने देंगे हम अच्छे से। जो है हमारे मसाले अच्छे से सॉटे हो गए हैं, अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी, प्याज ऐड करूँगी। मैं इस तरीके से इसलिए कवर कर देती हूँ बिकॉज जो हमारे गरम मसाले हैं वो जब क्रैकर होते हैं तो अपने ऊपर जो है आने का डर रहता है, कभी कभार आ जाते हैं। देखिए कितना अच्छे से खुशबू आ रही है पूरे हमारे तेल में, जो है हमारे गरम मसाले की खुशबू जो है वो रिलीज हो चुकी है। जो मैं इसको भूनूंगी जब तक ये हल्की जो है ब्राउन नहीं हो जाती है, तो इस तरीके से मिक्स कर दूंगी। देखिए मेरी जो प्याज है ये हल्की सी ब्राउन होने वाली है, लगभग इसको इस पॉइंट पे आने में तकरीबन 6 से 7 मिनट लगे हैं। और अब इस पॉइंट पर मैं जो हूँ इसके अंदर अपने कुछ मसाले ऐड करूंगी, जैसे कि हमें इसके इस पॉइंट के ऊपर जब आपकी भी प्याज आ जाए तो आप इसके अंदर जो है अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो ऐड कर दें। यहाँ पे मेरा ज़्यादा है, बिरयानी ज़्यादा बनाई तो मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून के करीब जो है अपना अदरक का पेस्ट लिया है और 2 ही टीस्पून के करीब जो है मैंने लहसुन लिया है। अब इनको जो है हम अच्छे से सॉटे करेंगे। और इस पॉइंट पर जो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ,
तकरीबन हाफ कप के करीब, ताकि जो हमारी प्याज है वो जले नहीं। अब इसको जो है मैं थोड़ा सा ये लहसुन अदरक को जो है प्याज के साथ में भूनने दूंगी, ताकि इसकी जो कच्चेपन की स्मेल है वो खत्म हो जाए तकरीबन 2 मिनट तक, जब तक तेल हमारा सरफेस पे नहीं आ जाता है। देखिए हमारा जो है ऑयल सरफेस पे आ चुका है। तकरीबन मैंने इसकी 2 मिनट तक भुनाई की है। और इसको जो है मैं हल्का सा सॉटे करूंगी, इसको हल्का सा जो है भुनाई करूंगी मैं इसकी अपनी चिकन की। एक टीस्पून के करीब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, और इसमें मैं अपने होममेड बिरयानी मसाला की मसाला जो है वो भी ऐड कर रही हूँ। इसमें जो है मैंने 2 टीस्पून के करीब अपना होममेड बिरयानी मसाला जो है वो यूज़ किया है। अब इसको जो है मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। आप चाहें तो इसमें हल्की सी पिसी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो मसाला है उसमें मैंने मिर्ची और मतलब सब चीज़ मैंने उसमें ऐड की है, धनिया मिर्ची हर चीज़, तो मुझे उसमें ज़रूरत नहीं लग रही, मुझे यहाँ पर ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई कि मैं मिर्ची इसके अंदर ऐड करूँ, बिकॉज मेरा जो मसाला है वो पूरा कम्प्लीट मसाला है, इसलिए मैंने सिर्फ इसमें नमक और मसाला ऐड किया है। अब हम जो है इसे तकरीबन उस पॉइंट तक पकाएंगे जब तक ये गल नहीं जाता है। अभी इसमें से जो है देखिए ये अपना पानी रिलीज कर रहा है चिकन, हमें जो है इसका पूरा पानी ड्राई करना है। अभी तकरीबन 5 मिनट तक जो है मैं इसको इसी तरीके से इसको पकाऊंगी, ताकि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। यहाँ पर देखिए मैंने जो है अपना मीठा, बिल्कुल मीठा दही लिया है, ये मेरा दही जो है 1 कप के करीब है, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर। इसको अच्छे से मैं मिक्स दे दूंगी। अब जो है हमें चिकन को चिकन के पानी में और दही के पानी में जो है उसको पकाना है। तकरीबन 10 मिनट बाद जो है हमारा पानी जो है देखिए इतना ड्राई हुआ है। अभी हमें इसे जो है 5 to 6 मिनट और पकाना है, जब तक इसका पानी जो है वो पूरे तरीके से ड्राई नहीं हो जाता और ऑयल जो है वो सरफेस पर नहीं आ जाता। मेरा गोश्त जो है अच्छी तरीके से भुन चुका है, और देखें जी ऑयल सरफेस पे आ चुका है। मैंने अपना गोश्त भी चेक कर लिया, मेरा गोश्त जो है वो गल गया है। अगर आप लोगों का चिकन जो है वो नहीं गले तो आप इसके अंदर जो इसको जो है कवर करके जो है 5-1 मिनट तक रख सकते हैं। मैंने बिना कवर किए इसको पकाया है 10 to 15 मिनट तक। माशाल्लाह मेरा चिकन जो है वो बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब मैंने जो है यहाँ पे 1 kg गैलेक्सी चावल लिए, तो मैं इसके अंदर जो है 5 ग्लास जो है वाटर ऐड करूंगी। ये आप लोगों के ऊपर है कि आप कौन से चावल लेते हैं, आप उसके हिसाब से अपना जो है पानी ऐड करें।
देखिए मैं अब इसके अंदर जो है अपने चावल ऐड कर रही हूँ। देखिए मैंने जो है इसके अंदर पूरे अपने चावल डाले हैं। मैं इसके अंदर जो है 5-6 के करीब जो है हरी मिर्चें जो है वो इसके अंदर डाल रही हूँ। अब मैं जो है अपने चावल को अच्छे से मिक्स कर दूंगी अच्छे से, ताकि हमारे जो पूरे मसाले हैं सब जो हमारी बोटी हैं वो सब जो है चावल में मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से। और देखिए मैंने जो है 1 टीस्पून नमक, जब जिस वक्त मैं अपने गोश्त को गला रही थी, मसाले में अपने गोश्त ऐड किया था, उस वक्त मैंने जो है 1 टीस्पून के करीब मैंने नमक डाला था। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसमें 4 टीस्पून के करीब जो है अपना नमक ऐड कर रही हूँ। देखिए जी नमक जो है मैंने यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लिया है, आप लोग जो है वो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें, बिकॉज बहुत से लोग कम खाते हैं, बहुत सारे लोग जो है ज़्यादा खाते हैं। अब जो है हमने इसको क्या करना है, जब इस पर एक बॉयल आ जाएगा तो अच्छा सा हम इसको खटकी पे इसको हम कवर करके रख देंगे 10-15 मिनट तक, या फिर जब तक आपके जो चावलों का पानी है वो ड्राई नहीं हो। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसके दम देने की प्रोसेस जो है वो शुरू करेंगे। देखिए हमारा जो पानी है इसके अंदर जो है बिरयानी के पानी में खटकी आने लगी है। अब मैं इस पॉइंट पर क्या करूंगी, इस पॉइंट पर जो है इसको कवर करके रख दूंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए, या फिर जब तक मेरा पानी ड्राई नहीं हो जाता है। और अभी जो है मेरी गैस मीडियम टू लो है, और तकरीबन 2 मिनट बाद जो है मैं इसको जो है अपना लो फ्लेम पे कर दूंगी। बिल्कुल तकरीबन 15-20 मिनट हो चुके हैं और मेरी बिरयानी देखिए कुछ इस तरीके की हो गई है, ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। आपकी बिरयानी भी जो है इस पॉइंट पे होनी चाहिए कि बिल्कुल ड्राई हो जाए, उस वक्त ही हमारी जो बिरयानी दम के लिए तैयार होती है। मैं जो इसके अंदर जायफल और जावित्री का जो है पाउडर इसके अंदर ऐड करूंगी। मेरी बिरयानी थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए मैं इसके अंदर जो है 1 टीस्पून के करीब जो है जायफल और जावित्री का पाउडर जो है वो मिक्स करूंगी। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। और यहाँ पर देखिए मैं डाबर का जो है केवड़ा वाटर यूज कर रही हूँ। यहाँ पर जो है मैं इसको तकरीबन 1 टीस्पून के करीब जो है इसमें ऐड करूंगी। ये गया हमारा केवड़ा वाटर। अब जो है मैं इसके अंदर अपना कलर जो है वो ऐड करूंगी। यहाँ पर जो है मैंने अभी आपको बता देती हूँ कौन सा कलर यूज किया है। यहाँ पर मैंने जो है फूड कलर यूज किया है। यहाँ पर जो है मैं इसके अंदर थोड़ी सी तली हुई प्याज जो है वो अपनी गार्निशिंग के लिए जो है इसके ऊपर यूज कर रही हूँ, हल्का सा गार्निश करूंगी। और अब जी जो है ये हमारी दम के लिए तैयार है। मैं जो हूँ इस पॉइंट के ऊपर इसके अंदर जो है इसको कवर कर दूंगी। आप चाहें तो इसमें गीले कपड़े जो है इसके ऊपर यहाँ पे कर सकते हैं, उसके ऊपर से इसका लिड कवर करें या फिर फॉइल का यूज करें। मैं जो हूँ इसको इसके यूज मतलब अपने सिर्फ ढक्कन से ही जो है इसे कवर कर रही हूँ। तकरीबन मैं इसको जो है 20 मिनट तक कवर करूंगी, और इसके ऊपर जो है एक मोटा सा जो है बट्टा रखूंगी, जो सिल्क का नॉर्मल बट्टा होता है, ये रख रही हूँ मैं। अब जो है 20 मिनट बाद इसको चेक करूँ। और यहाँ पर जो है जी मैंने ये वाला अपना फूड कलर यूज किया है, ये अपना जो है येलो कलर का फूड कलर है। और मेरा जो है कुछ इस तरीके से जो है ये दिखता है फूड कलर का बॉक्स जो है मैंने ये वाला इसमें यूज किया है। और फूड कलर तो आपने देखा ही है कौन से कलर का है। लगभग 15 मिनट हो चुके हैं और हमारी बिरयानी जो है इसमें अच्छे से जो है वो दम पर पक चुकी है। देखें जी माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है, देखिए बहुत ही ज़्यादा लग रही है ना खूबसूरत। अब मैं इसको जो है ना आपको सर्व करके बताती हूँ कि हमारी जो बिरयानी है वो लग कैसी रही है सर्व करने पर। देखिए मैंने अपनी बिरयानी को जो है सर्व कर लिया है, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। अगर आपको मेरी ये चिकन मसाला बिरयानी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी जो चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक करें, ताकि मेरी जितनी भी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक जो है पहुँच सके। तो थैंक यू।